हेलो एंड वेलकम टू एंकर डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी। मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एंकर डिजिटल पॉइंट। मेरे भाई कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे करते हैं कि भाई हम एक बड़ा लोन लेना चाहते हैं, हमें ऐसी फाइनेंस कंपनी के बारे में बताइए जो हमें एक बड़ा लोन दे सके। हमें होम रिनोवेशन करना है, हमें शादी करनी है, हमें बाहर घूमने जाना है, ठीक है, हमारे घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, बताइए कोई फाइनेंस कंपनी। तो गाइस आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक ऐसी ट्रस्टेड फाइनेंस कंपनी लेकर आया हूँ जिसका नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, इसका नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगी भाई वाकई ट्रस्टेड फाइनेंस कंपनी है। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अप्रूवल जल्दी मिल जाता है आपको। तकरीबन आप जो है किसी भी शहर से हैं वहीं पे आप लोन अप्लाई कर पाएंगे इस फाइनेंस कंपनी से। अगर आप लेना चाहते हैं घर बैठे लोन तो गाइस इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करें डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगी एक बहुत ही जानी मानी फाइनेंस कंपनी जिसका नाम है गाइस आदित्य बिरला। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आदित्य बिरला फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। आदित्य बिरला का टाइप है बहुत सारी फाइनेंस कंपनी के साथ में, आपने देखा होगा गाइस छोटी फाइनेंस कंपनी होती है कुछ, जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर पे लेटर लिमिट आपको मिलती है, वहाँ पर आदित्य बिरला आपको पे लेटर लिमिट देता है। कई बार जो है वहाँ पर एक दूसरी कंपनी भी है कौन सी है, वो भी आपको देती है। और गाइज यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट आदित्य बिरला है इसका टाइप पेटीएम के साथ भी है, पेटीएम पोस्ट लिमिट अगर आपको मिली है तो गाइज पेटीएम पोस्टपेड के नीचे अगर आप देखेंगे जाकर वहाँ पर आदित्य बिरला फाइनेंस लिखा है। अगर आपको आदित्य बिरला के बारे में नहीं पता तो गाइज मुझे आपको इसके बारे में ज़्यादा बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही ट्रस्टेड फाइनेंस कंपनी है गाइज। एक बड़े लोन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है एप्लीकेशन रेटिंग, इसकी कम है। रेटिंग कम इसलिए गाइस क्योंकि बहुत ही बारीकी से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, अगर थोड़ी सी कमी पाती है सिविल स्कोर में या कहीं में भी तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, फिर वहाँ पर रिव्यू गलत करते हैं, हमें लोन नहीं मिला। तो इसलिए आप जो है इससे मत जाओ, रेटिंग क्या है, रेटिंग तो आजकल पैसे देकर भी बढ़ाई जा सकती है लेकिन ये कंपनियाँ बड़ी ऐसा नहीं करती है, पॉजिटिव रिव्यू आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। गाइज जब आप यहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे तो आप जब आदित्य बिरला से आप लोन ले लेंगे तो इसी एप्लीकेशन के अंदर आप अपने पूरे लोन को मैनेज कर पाएंगे, कितना लोन है, कितनी ईएमआई है, सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगी, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे लोन कौन सा है, कितने हमने लोन ले रखे, सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ओपन करना है, ओपन करने के बाद गाइज अभी आप देख सकते हैं इंटरफेस आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाई देगा, आपको कंटिन्यू करना है, अलाउ करना है जितनी बार भी अलाउ करने के लिए बोले। और आपको यहाँ पर सबसे पहले गाइज यहाँ पर क्या करना है, गेट स्टार्टेड विद योर फ्लेक्सी लोन अकाउंट, जो आपने पहले लोन ले रखा है ठीक है, उसको आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर क्या मांगेगा आपसे पहले ये, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको बताता हूँ ये लोन आप कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आप गाइज डायरेक्टली जाना finance.adityabirlacapital.com पर, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइज देख सकते हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर पर्सनल लोन और आदित्य बिरला SBI कार्ड आप अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ गाइज, आदित्य बिरला ने SBI बैंक के साथ में टाइप करने के बाद में अपना क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर रखा है, आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर पर्सनल लोन अप्लाई कीजिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आप जाएंगे थ्री डैश जो ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप कितने काम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि गाइज आदित्य बिरला ऑल इन वन ऐप है। आप यहाँ पर जो है देखिए प्रोटेक्टिंग में अगर आप जाएंगे तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मल्टीपल वेलनेस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस आप यहाँ पर ले पाएंगे, इन्वेस्ट भी आप कर पाएंगे म्यूचुअल फंड में, वेल्थ में, पेंशन वगैरह की आप यहाँ पर कर पाएंगे। अगर आप जाएंगे फाइनेंसिंग में तो आप देखिए होम फाइनेंस कर सकते हैं, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस आप यहाँ पर ले पाएंगे, SME फाइनेंस भी आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए मॉर्गेज फाइनेंस मिलेगा, ऑल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ पर्सनल फाइनेंस की गाइस, क्योंकि हम तो पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं तो पर्सनल फाइनेंस में आपको जाना है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस के अंदर ही आपको यहाँ मिलेगा पर्सनल लोन। जी हाँ गाइस, अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनल लोन तो आप पर्सनल फाइनेंस में जाइएगा, यहाँ पर जाने के बाद आपको दिखाई देगा पर्सनल लोन ठीक है। और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी टू अप्लाई फॉर पर्सनल लोन बिटवीन 1 to 50 लाख, यानी आप यहाँ पर जो है 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ गाइस, 1 से 50 लाख रुपए तक का। वाई पर्सनल लोन फ्रॉम अस, पर्सनल लोन हम क्यों वो लेना चाहते हैं गाइस, तो इसके बारे में यार बता रखा है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना ठीक है। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट आपका यहाँ पर मिलेगा 7 साल तक के लिए, 50 लाख तक का लोन आप ले पाएंगे। जैसे ही आपको यहाँ पर जो है लोन ऑफर मिलेगा गाइस, आपको उस लोन को एक्सेप्ट करना है, अप्लाई करना है, ECS यानी नेक फॉर्म डाउनलोड करना है, साइन करना है, अपलोड करना है, यानी आपको ई मैंडेट करना है। जैसे आप ई मैंडेट करेंगे आपकी इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कटती चली जाएगी, पैसे आपके अकाउंट के अंदर आएंगे जैसे इसका अप्रूवल आपको मिलेगा। नो सिक्योरिटी, नो कोलैटरल रिक्वायर्ड, अवेल द लोन, यहाँ पर आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं देनी है गाइस। यहाँ पर देखिए आप इंस्टेंटली अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर पाएंगे। आदित्य बिरला फाइनेंस पर्सनल लोन प्रोसेस, यानी कैसे आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप है। लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप फॉर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप एक सैलरी तो आपको पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप यहाँ पर देनी होगी, और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, KYC डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे गाइस।
अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पर इनका कस्टमर केयर नंबर है, यहाँ पर भी आप जा बात करके लोन अप्लाई कर पाएंगे। नहीं आ रहा कुछ भी समझ में तो गाइस नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आप हेल्प भी ले सकते हैं लोन अप्लाई करने में। यहाँ पर देखिए अगर आप करेंगे लोन अप्लाई, सॉरी अगर आप चैटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर डिटेल आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पर भी आप जो है इनसे जो है लोन वगैरह अप्लाई एप्लीकेशन का स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। प्रोडक्ट में जाएंगे तो और प्रोडक्ट में जाने के बाद गाइस देखिए यहाँ पर लिख रखा है पर्सनल लोन हम अप्लाई करना चाहते हैं, हमने पर्सनल लोन के लिए किया। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है भैया, आप डायरेक्टली कॉल कीजिए या फिर जो है इनके पास मेल कीजिए, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली अप्लाई नो पे क्लिक कीजिए। अगर आप अप्लाई नो पे क्लिक करें डायरेक्टली वापस पेज पर आ जाएगा। आपको सिंपल से काम करना है, क्लिक हियर पे क्लिक करना है लोन अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर पर्सनल लोन, यहाँ पे क्लिक का भाई अभी जो है हम ऑनलाइन लोन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसको सबमिट करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कहाँ पे रह रहे हैं, लोन अमाउंट कितना चाहिए सबमिट करना है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होगी, उसके बाद आपके पास बैक कॉल आएगी। और मैं आपको बता दूंगा गाइस, ऑनलाइन लोन अप्लाई करने से अगर आप जो है ऑफलाइन लोन अप्लाई करेंगे किसी भी फाइनेंस कंपनी में तो आपको लोन मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो वहां पर कंप्यूटर आपका सब कुछ चेक करता है और रिजेक्ट कर देता है लोन, क्योंकि वहां पर पहले से सब कुछ फीड होता है कि कितने अगर आप जो है कैटेगरी में आते हैं तो आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। मान लीजिए 750 सिविल स्कोर वहाँ पर डाल रखा है और आपका सिविल स्कोर 749 भी अगर आ जाएगा तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन ऐसा नहीं होता है, ऑफलाइन आपको लोन मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर सिंपल से काम करना है, फॉर्म फिल करना है, सबमिट करना, आपके पास कॉल आएगी, आपको उनको सब कुछ बताना होगा, वो आपके घर पर आएंगे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए या फिर जो है आपको उनको देने होंगे। आपके नियरेस्ट आदित्य बिरला की जो ऑफिस होगा वहाँ पर आपको जाकर लोन अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो गाइज आप घर बैठे लोन अप्लाई कर पाएंगे आदित्य बिरला से, इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करेगा गाइज आदित्य बिरला के जो एम्प्लॉय करेंगे वो आपका लोन अप्लाई करेंगे आपके घर पे आके। जब आपको लोन मिल जाएगा उसके बाद आप इस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पर आने के बाद में आपको जो है अपनी वही डिटेल यहाँ पर देनी होगी जो आपने लोन अप्लाई करते वक्त दी होगी। तो देखिए गाइस मेरे पास तो कोई लोन नहीं है, मैंने यहाँ पर जो अप्लाई किया तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई कस्टमर के बात कीजिए, ठीक है। तो अगर आप घर बैठे लोन तो गाइस इस तरीके से आप आदित्य बिरला से लोन अप्लाई कर सकते हैं। मेरे बहुत भाई से बोल रहे थे कि आदित्य बिरला से लोन अप्लाई करके दिखाओ, तो भाई आदित्य बिरला में अभी ऑनलाइन लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप जो है डायरेक्टली इनके ऑफिस चले जाइए, वहाँ पर लोन अप्लाई कर लीजिए या फिर जो है फॉर्म सबमिट कीजिए या फिर कॉल कीजिए, वो आपको बता देंगे कैसे लोन अप्लाई करना है। मुझे उम्मीद आपको वीडियो जरूर पसंद है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आज के लिए बस इतना ही।